जब आपको मीठा खाना हो, घर में कुछ भी मीठा ना हो, बस आपके पास लड्डू है तो आप इस लड्डू से चलिए मीठा रोटी बना लीजिए। पराठा बहुत ही मस्त और टेस्टी लगते हैं। हमारे पास बेसन के लड्डू हैं। चलिए मैं आटा के पहले गोली कर लूँ। गोली करके उसके बाद इसे थोड़ा सा बेल लेती हूँ मोटा। उसको बेलने के बाद मैं उसमें, देखिए लड्डू को चूर करके इस तरीके से भर दीजिए। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। जब मीठा खाने के लिए मन हो तो आप इस तरीके से, आप जैसे आलू का पराठा बनाते हैं उस तरीके से ही आप लड्डू का भी बना सकते हैं। मैं बेसन के लड्डू पराठा बना रही हूँ। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से आप पराठा बनाइए, बहुत ही मस्त लगते हैं खाने में। और इसके साथ मैं आलू की भुजिया बनाई हूँ। और ये आलू की भुजिया अचार के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब मीठा खाने का मन है इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए हमारा बहुत अच्छे ये भरा चुके हैं। अब बारीकी से आप बेलिएगा इसे ताकि फटे ना। देखिए तवा गर्म है, इस पर डाल दीजिए। ऐसे उलट पलट दीजिए। ऐसे अच्छे से आप घी लगा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जो भी तेल घी लगाना चाहते हैं। देखिए कितना सुनहरे कलर के बहुत ही मस्त बने हैं। देखिए हमारा रूप पराठा बहुत तैयार है। अब मिठाई खाए या पराठा खाए, बहुत मीठा खाने का मन था इसलिए इस तरीके से मैं बनाई हूँ आज। देखिए हमारा पराठा तैयार हो चुका है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बना खाए। आलू का भुजिया और आम का अचार, इसके साथ मीठा पराठा बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। देखिए इस तरीके, देखिए कितने अच्छे हैं कलर भी इसका।